10 दिन बाद फिर से विराट विराट का हल्ला मचने वाला स्टेडियम में T20 में बादशाह की जंग होने वाली है। दोनों खिलाड़ी में विराट कोहली वर्सेस रोहित शर्मा, सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा के नाम है अब तक। रोहित का ताज छीन लेंगे विराट, क्या ये संभव है? जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। T20 में बादशाह की जंग छिड़ चुकी है। रोहित शर्मा की बात करें तो टोटल यहाँ पे T20 मैच में 2331 रन है। वहीं दोस्तों बात करें विराट कोहली की तो 2263 रन है, बस कुछ ही रन पीछे हैं विराट कोहली। देखते हैं आने वाले समय में कि विराट कोहली रोहित शर्मा से आगे निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। आपको पता है कि रोहित शर्मा काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, मगर विराट भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। देखने में तो बहुत मजा आने वाला है, आने जो वेस्ट इंडीज वाली सीरीज आ रही है उसमें काफी मजा आने वाला है। और दोस्तों देखेंगे कि कौन से खिलाड़ी आगे निकलता है दोनों खिलाड़ियों में से। विराट को चाहिए 69 रन केवल आगे निकलने में रोहित शर्मा से। T20 की बादशाह की जंग रोहित नंबर 1 पे हैं, वहीं विराट कोहली नंबर 3 पर हैं। रोहित 32.37 के औसत से रन मारते हैं T20 में, वहीं विराट का औसत काफी ज्यादा है रोहित शर्मा से, 50.28 की औसत है यहाँ पे विराट कोहली की। वहीं दोस्तों बात करें दूसरी तरफ, रोहित यहाँ पे अब तक 16 अर्धशतक लगा चुके हैं, जबकि विराट ने 20 अर्धशतक लगा दिया है दोस्तों, बोल सकते हो 20। इसके बाद रोहित की बात करते हैं तो यहाँ पे 137.68 की स्ट्राइक रेट से रन मारते हैं। विराट की बात करें यहाँ पे तो 137.40 की स्ट्राइक रेट से रन मारते हैं। लगभग स्ट्राइक रेट दोनों खिलाड़ियों की सेम है, यानी कि दोस्तों बराबर है। रोहित शर्मा ने अब तक 4 शतक लगा दिए हैं T20 में और विराट ने अभी तक 21 शतक नहीं लगाया है। रोहित शर्मा 67 मैच खेले हैं और वहां पे दोस्तों विराट कोहली ने अभी 65 मैच खेले हैं, यानी कि विराट कोहली ने रोहित शर्मा से 2 मैच कम खेले हैं। रोहित शर्मा ने यहाँ पे 3650 रन बनाए हैं पिछले 3 साल में वनडे में, वहीं विराट कोहली ने 4074 रन बनाए हैं पिछले 3 साल में। तो विराट कोहली काफी आगे हैं रोहित से, मगर दोस्तों देखते हैं आने वाले वनडे में क्या रोहित आगे निकल पाते हैं विराट से और विराट को पीछे छोड़ पाएंगे क्या। रोहित शर्मा की बात करें पिछले 3 साल में वनडे में तो 17 शतक लगा चुके हैं, विराट केवल 16 शतक लगा चुके हैं। दोस्तों विराट भी काफी पीछे नहीं है, बस केवल 1 शतक पीछे हैं। अब देखना ये होगा कि विराट कोहली क्या शतक लगा पाते हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है T20 वनडे और टेस्ट में। और दोस्तों यहाँ पे वनडे में शतक लगाते हैं विराट कोहली तो रोहित शर्मा और विराट कोहली बराबर हो जाएंगे। वनडे में पिछले 3 साल में रोहित 886 अंक हासिल कर चुके हैं, जबकि विराट कोहली 881, केवल 5 अंक पीछे हैं विराट कोहली। अब देखना ये होगा कि विराट कोहली क्या रोहित से आगे निकल पाते हैं या फिर दोस्तों नहीं। और दोस्तों हाँ, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो। मगर दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहते हो इन फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखना, ऐसी न्यूज देखना सबसे पहले तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और उसके बाद में नोटिफिकेशन बेल आता है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और इस वीडियो को लाइक करना और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आप नीचे कमेंट करके जरूर से बताना कि दोनों खिलाड़ी में से कौन सा खिलाड़ी आगे निकल सकता है आने वाले समय में। तो मिलते हैं आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए माई सरकारी न्यूज़।